अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने मेडिकल फिजिक्स में जो टॉपिक है वो पढ़ना है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इसका लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू कह लें देख लिया था कि इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट की सर्जिंग करें अगर या उसकी मॉडिफिकेशन करें, उसकी वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी या इम्पल्सिस जो हैं वो वेरी करें, रेजिस्टेंस वेरी करके करंट का आउटपुट देखें, तो ऐसे करंट को आप कहेंगे मॉडिफाइड या इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। तो इसके यूजेस देखे थे कि ये किस किस पर्पज़ के लिए फिजियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। एक तो है प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व और सेकेंड है स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। तो इसमें स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स के मतलब जो मसल्स जिनकी नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज हो चुकी होती है, उन नर्व्स की स्टिमुलेशन के लिए और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से रीअचीव करने के लिए इनको इस करंट को यूज़ किया जाता है। देन इसकी प्रोडक्शन पे अगर हम आएँ तो इसमें तीन तरह के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं कि हम सर्किट में कोई ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच से क्या करेंगे कि जब उसको ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जब उसको ऑफ करेंगे तो उससे करंट का फ्लो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह रिपीटेडली अगर हम ऑन ऑफ करते हैं तो ये क्लमज़ी मेथड है। और इसमें जो है सर्किट में स्प्रिंग लगा होता है इक्विपमेंट में, एक वो स्प्रिंग जो है उसके वीकन होकर डैमेज होने के चांसेस होते हैं रिपीटेडली ऑन ऑफ करने से, तो इसीलिए इसको ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। सेकेंड आपके पास आ जाता है ट्रांजिस्टर या ट्रायोड वेल्व जो हैं वो हम सर्किट में लगा कर तो उससे इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट अचीव कर लेते हैं। उसमें एक टर्म बताई हुई है जीआर टाइमिंग सर्किट। जीआर टाइमिंग सर्किट में सिंपल आप ना इसकी डेफिनेशन ये आती है, सर्किट इन विच कंडेंसर डिस्चार्जेस थ्रू अ रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ करंट फ्लो ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि आप रेजिस्टेंस को जब वेरी करेंगे तो इम्पल्स जो है वो करंट की वो भी चेंज होगी, लेकिन एक फिक्स मोड पे आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। और इस तरह के सर्किट को कहते हैं जीआर टाइमिंग सर्किट। तीसरा आ जाता है आपके पास सीरीज़ रियोस्टेट। सीरीज़ रियोस्टेट एक बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो कंट्रोल या रेगुलेट करती है आपके करंट फ्लो को। इसमें ये होता है कि आप जो है कंडेंसर को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू वेरिंग रेजिस्टेंस और इस तरह रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है और इम्पल्सेस जो हैं वो ऑल्टर ग्रेजुअली उनको करके ड्यूरेशन देख लेते हैं इंटरवल्स बिटवीन इम्पल्सेस का, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल हो रही होती है बाय अ सेकंड कंडेंसर डिस्चार्जिंग थ्रू अदर रेजिस्टेंस और सेवरल डिफरेंट रेजिस्टेंसेज विद अ सिलेक्टर स्विच। इसमें सिलेक्टर स्विच भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होती है। कि आपने रेजिस्टेंस को वेरी किया, एक आपने लगा लिया सिलेक्टर स्विच और एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस और ये तीसरी रेजिस्टेंस। इस तरह से ये सर्किट डायग्राम इसकी हो सकती है। ये इस तरह से इसकी सर्किट डायग्राम आ जाती है और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। ये है आपका सिलेक्टर स्विच, ये है आपकी ट्रांजिस्टर या ट्रायोड वेल्व जिसमें यूज़ करते हैं, उसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। और जिसमें आप यूज़ करते हैं रियोस्टेट उसकी डायग्राम सर्किट की कुछ इस तरह से होती है। और ये है आपका यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा। तो बेसिकली जीआर टाइमिंग सर्किट में यानी ट्रांजिस्टर ट्रायोड वेल्व सर्किट में और रियोस्टेट वाले सर्किट में आपने बेसिकली यही करना है कि रेजिस्टेंस को आप ऑल्टर करेंगे, वेरी करेंगे, उससे आप करंट के आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखेंगे और अल्टीमेटली जो करंट का फ्लो डेवलप हो रहा होगा उस करंट की टाइप को कहेंगे इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ करंट अप्लाइड टू द पेशेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय पोटेंशियोमीटर। जो इंटेंसिटी अप्लाई की जाती है पेशेंट को फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए वो कंट्रोल की जाती है बाय द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड मूविंग कॉइल मिलीएमीटर इंडिकेट करता है इसकी इंटेंसिटी। और इसमें जो है मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस टेस्टिंग। उसके बाद इसमें सर्जिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है आपके वोल्टेज ऑफ करंट, वोल्टेज को और करंट को, शॉर्ट लिव्ड होती है और ग्रेजुअल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है इंटेंसिटी ऑफ करंट।
यानी मॉडिफिकेशन से इंटरप्शन से क्या हो रहा था, आपका वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट फ्लो इंक्रीज होता है, और उसके अलावा ये जो है ये शॉर्ट लिव्ड करंट फ्लो होगा, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे अगर करंट को, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, उससे जो है वो दोबारा से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरप्टर से डायरेक्ट करंट में। सेकेंड आपके पास आ जाता है फेरेडिक करंट। फेरेडिक करंट की सबसे पहले तो ड्यूरेशन है 0.1 to 1 मिली सेकेंड ड्यूरेशन है इसकी, और आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 50 to 100 हर्ट्ज। फेरेडिक करंट जो है वो फेरेडिक कॉइल से प्रोड्यूस होता है, नाम से आप लोग ये याद रख सकते हैं, टाइप ऑफ इंडक्शन कॉइल है ये, और करंट जो है वो फेरेडिक कॉइल से जो पहले प्रोड्यूस होता था कह लें कि प्रीवियसली जो पहले वक्तों में प्रोड्यूस होता था वो अनइवनली ऑल्टरनेटिंग करंट था, और उसकी जो है आपके पास एक साइकिल दूसरे साइकिल से डिफर कर रहा होता था, तो वो आपके पास इस तरह से उसकी वेव फॉर्म आती थी। कि उसका एक साइकिल दूसरे साइकिल से अल्टरनेट करता आपको मिलेगा, उसमें चेंज या फ्लक्चुएशन मिलती है, अनइक्वल फेजेस होते हैं, फर्स्ट जो है ये वाला लो इंटेंसिटी का, ये हाई इंटेंसिटी, फिर लो इंटेंसिटी, देन हाई, फिर लो, फिर हाई इंटेंसिटी आ जाती है। उसके बाद लॉन्गर ड्यूरेशन होता है ये करंट, सेकेंड जो है ऑफ हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन, जो ये है लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये है हाई इंटेंसिटी शॉर्टर ड्यूरेशन। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरेडिक कॉइल जो है वो डेवलप किए गए थे रिसेंट टाइम्स में, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो आपका है स्मार्ट ब्रिस्टो फेरेडिक कॉइल। जिसके थ्रू फेरेडिक करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो करंट प्रोड्यूस करता है वो डिफ़र करता है फ्रॉम द फेरेडिक कॉइल या फ्रॉम द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फेरेडिक कॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्मार्ट ब्रिस्टो फेरेडिक कॉइल जो करंट फ्लो या करंट फ्लो करवाता है या प्रोड्यूस करवाता है, उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का क्या मतलब है कि फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, इस तरह के फ्लक्चुएशंस मिले तो उनको डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलती हैं इसीलिए ये इससे डिफ़र करता है। उसके अलावा आपके पास इसमें आ जाता है कि पीक्स ऑफ ईएमएफ और फर्स्ट फ्यू ऑसिलेशंस को जो है वो इफ़ेक्टिव स्टिमुलस की जो है वो इंडिकेशन होती है कि स्टिमुलस आपका जो है वो इतना था स्ट्रॉन्ग कि उसने जो है वो फेरेडिक करंट अल्टीमेटली फ़ौरन से जो है वो प्रोड्यूस कर दिया या डेवलप कर दिया। उसके बाद फेरेडिक कॉइल जो हैं उनको सुपरसीड कर दिया गया अब इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ऐसे करंट्स प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू फेरेडिक कॉइल जो कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब इफ़ेक्ट्स टिश्यूज़ में जो हैं वो बेहतर होते हैं इसके एज़ कम्पेयर टू करंट प्रोड्यूस बाय फेरेडिक सिंपल फेरेडिक कॉइल, और इसके अलावा बेनिफिशियल होते हैं ज़्यादा टिश्यूज़ के लिए, और इसमें ज़्यादा जल्दी आपको इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स इसके मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें आ जाता है ये असेंशियल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, और इसकी 0.1 to 1 मिली सेकेंड आपको बताया कि ड्यूरेशन होती है, और 50 to 100 टाइम्स पर सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद फेरेडिक करंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर जो है वो प्रोडक्शन फेरेडिक करंट की किस तरह से कराता है, सेम प्रिंसिपल पे कराता है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट की जिस तरह से होती है, और रेजिस्टेंस इसमें कंट्रोल कर रही होती है ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सिस को, और इंटरवल बिटवीन देम जो है वो काफ़ी लो वैल्यू का होता है। तो इसमें आपको जो है ग्राफ वो कुछ इस तरह का मिलता है। अच्छा, अब मैं कंपैरिजन बताती हूँ कि ये जो था ये आपके पास सिंपल फेरेडिक कॉइल का था ये वाला ग्राफ, उसके बाद अगर हम देखें
स्मार्ट ब्रिस्टोफेरेटिक कॉइल या इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर, उसमें आपको डैम्ड ऑसिलेशंस मिलती हैं, कुछ इस तरह का होता है उसमें वेव फॉर्म या ग्राफ। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर जो आजकल कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें आपको इस तरह की जो है मिलेगी वेव फॉर्म, या आप कह लें कि फेरेडिक टाइप करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से इस तरह का प्रोड्यूस होता है। वेव फॉर्म इस तरह की होगी, लो रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, और ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस जो है वो क्या करता है आपके रेगुलेट कर होता है करंट फ्लो को। इसमें 0.1 to 1 millisecond इसका करंट का ड्यूरेशन होता है, 50 to 100 इसकी फ्रीक्वेंसी है। करंट जो है इसको डीपोलराइज भी किया जाता है बाय अ रिवर्स वेव बिटवीन द इम्पल्सेस। इसको डीपोलराइज कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस केमिकल एक्शन ऑफ दिस करंट, और इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं और केमिकल फॉर्मेशन निग्लिजिबल होती है। फिर आगे कुछ वेव फॉर्म्स दी हैं कि इसकी अगर हम सर्जिंग करें या मॉडिफिकेशन करें तो वेव फॉर्म में उसको किस तरह से हम देखेंगे। जो हमने लास्ट टाइम वेव फॉर्म्स पढ़ी थी कुछ करंट की, ये आपके पास आ गया अनमॉडिफाइड फेरेडिक करंट। फिर इसकी अगर सर्जिंग करें आप तो उसमें आपके पास इंटरप्टेड किस तरह का आएगा कि बीच में आपके पास पॉजेज आ जाएंगे। ये करंट फ्लो किया फिर पॉज आया, करंट फ्लो किया फिर पॉज आया फिर करंट फ्लो किया, ये है इंटरप्टेड फेरेडिक करंट। उसके बाद आपके पास सर्ज्ड आ जाता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से या हैंड से आप उसको सर्जिंग करो, ये सर्ज फेरेडिक करंट आ गया। फिर आपके पास और भी इस तरह की वेव फॉर्म्स हैं, सडन राइज और फॉल, या वेव फॉर्म में ड्यूरेशन में और फ्रीक्वेंसीज में, वो आप बुक से देख लीजिएगा किस तरह की। जैसे हमने सॉटूथ पढ़ी थी, ट्रेपिजॉइडल पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी, उसी तरह डीपोलराइज फॉर्म, ये सारी इसमें आ जाती हैं मॉडिफिकेशन में इसकी। उसके बाद साइनोसॉइडल करंट आ जाता है, साइनोसॉइडल करंट जो है वो रेयरली यूज़ होता है, इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, लो फ्रीक्वेंसी करंट है, और इसमें साइन वेव जो है या कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके साइनोसॉइडल करंट को। साइन वेव या कर्व किस तरह की होती है, सिंपल इस तरह की वेव फॉर्म को आप कहते हैं साइन कर्व या साइन वेव। उसके बाद आपके पास ग्राफ जो है इसका साइन कर्व होता है, फ्रीक्वेंसीज की 50 साइकिल्स पर सेकंड हो सकती है। टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय, मतलब ये एक ऐसी टाइप है जो एसी डायनेमो से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सप्लाई होता है ये फ्रॉम एसी मेन। साइनोसॉइडल करंट फ्रॉम एसी मेन जो है वो 60 वोल्ट जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस, मतलब जो साइनोसॉइडल करंट की जो है वो टाइप रिक्वायर्ड होती है फॉर थेरापेटिक पर्पसेस, उसमें 60 वोल्टेज जो है वो मिनिमल जो है वोल्टेज है जो आप थेरापेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है एम्प्लॉय या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू रिड्यूस द EMF ऑफ द मेन सप्लाई एंड टू मेक द करंट अर्थ फ्री। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से रेगुलेट कर सकते हैं आप बाय अ पोटेंशियोमीटर जो EMF को कंट्रोल करती है, एक ऐसी डिवाइस जो EMF आपका कंट्रोल कर रही होती है, और इट इज़ सर्ज बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्जर। फिर उसके बाद केयर ऑफ ऑपरेटर्स आ जाता है। हमने अब तक इसमें पढ़ लिए हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डायरेक्ट करंट, फिर हमने इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट पढ़ा, फिर हमने फेरेडिक करंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा साइनोसॉइडल करंट। तो ये हमने डायरेक्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स पढ़ लिए हैं। उसमें केयर ऑफ ऑपरेटर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये जो है वो क्लीन और ड्राई आपने ऑपरेटर्स को रखना है, डस्ट मतलब उसकी डस्टिंग जो है वो रेगुलर करनी है, कवर उसको कर देना है जब वो यूज़ में ना हो ऑपरेटर्स। मॉइस्चर जो है वो कॉज कर सकता है क्रोइंग यानी जंग लगा सकता है उसको। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द सर्किट इज इफेक्टिव एक्सटेंसिव डैमेज मे रिजल्ट। और डैम्प पैड जो हैं वो उसके ऑपरेटर्स के ऊपर आपने कभी भी प्लेस नहीं करने। ऑपरेटर्स हैंड जो हैं वो शुड बी ड्राई जब वो हैंडल कर रहे हैं इक्विपमेंट को, या थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को लगा रहा है तो उसके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए। सर्किट जो हैं वो क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट कर सकते हैं। सर्किट जो हैं जिनमें वेल्व यूज़ करते हैं वो 1 मिनट लेते हैं वार्म अप होने में, और करंट जो है वो
जैसे ही आप टर्न ऑन करते हैं उसके बाद एक मिनट लगेगा वार्म अप होने में, और उसके बाद जो है रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग जो है वो शॉर्टन कर देती है लाइफ ऑफ फिलामेंट ऑफ अ वेल्व। ग्रेट केयर जो है वो उसमें रिक्वायर्ड होती है टू लीव द कंट्रोल एट ज़ीरो, मतलब कि जब आपने ये यूज़ करना है तो आप यूज़ करने के बाद उसको पहले वहाँ से जो नॉब होगी उससे ज़ीरो रीडिंग पर दोबारा से लेकर आएँ, फिर उसके बाद वहाँ से स्विच पीछे से बटन ऑफ करें, स्विच रिमूव करें, इस तरह से आपने ऑपरेटर या इक्विपमेंट को बंद करना होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप पीछे से तार उतारें और बटन बंद करें और फिर जो है पेशेंट को कहीं जाएं आप उठ के चले जाएं। डिटैच करनी है लीड्स प्रॉपरली फ्रॉम द पेशेंट्स टर्मिनल व्हाइल द ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन बट नॉट इन यूज़ इन ऑर्डर टू एलिमिनेट डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्योंकि रिपेयर नहीं कर सकता है ऐसे इक्विपमेंट्स के डिफेक्ट्स, तो इसीलिए उसको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और अगर इसको डैमेज कोई होता है तो ये रिपेयर जो है वो ईजिली नहीं हो पाते और कॉस्टली होते हैं रिपेयर इनके। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑपरेटर्स जो है वो सप्लाइड फ्रॉम अ सेल बैटरी रिक्वायर्स रीन्यू, मतलब जो सेल से चलते हैं या जिनमें सेल डलते हों जैसे टेंस है उनको आप सेल भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें सेल की जो है वो रीन्यूअल करना ज़रूरी होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनएडिक्वेट आउटपुट ऑफ करंट जो है वो इंडिकेट करता है कि सेल जो है न्यू सेल जो हैं वो नीडेड हैं, जब ऑपरेटर्स नहीं चल रहा होगा तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आपको नए सेल्स इसमें डालने हैं या सेल्स पुराने चेंज करने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि नेक्स्ट और कौन कौन से करंट्स जो हैं हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।